वीजा आ गया है। कौन क्या बात कर रही हो? कैसा मिली लगा आपको? क्या उम्मीद थी आज आपको वीजा आ जाएगा? बिल्कुल यार, भी मैं नहीं। बहुत प्रे कर रही थी एंड आई वाज होपफुल एज एवरी टाइम, बट एक डर तो रहता है ना मन में। ओके यार मेरे को तो इतना नहीं था, पर उम्मुल को बहुत था। मेरे 5 रिफ्यूजल है अनदर साइड। मेरी फैमिली ने, मेरा ब्रदर इन लॉ भी ट्राई कर रहा था कनाडा के लिए, तो उनके भी रिफ्यूजल्स थे एंड हम लोग गुजरात के एजेंट से ही कर रहे थे। वी आर फ्रॉम गुजरात, तो आप पंजाब का रेफरेंस उसके किसी फ्रेंड ने लिया, तो वो आपके पास आया। देन हमने देखा कि उसके केस में भी सेम चीज हुई थी कि वो थोड़ा नेगेटिव हो गया था, बट देन आपने उसको रिजल्ट ला के दिया। क्योंकि देखती थी कि इतने बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के वीजा आ रहे हैं, बट मेरा कभी लाइफ में बैकलॉग नहीं, मैं एक डिस्टिंक्शन वाली स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरा वीजा नहीं आ रहा, तो मैं बहुत डिसहार्टेंड और डिसअपॉइंटेड हो गई थी। बट मतलब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आपकी टीम भी मुझे एवरी टाइम, हरलीन मैम से मैं कॉन्टेक्ट करती थी, शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल। यस, आप जो फाइलिंग करते हो, यू पुट इट ऑन द फर्स्ट पेज व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर अटैचिंग एंड यू आर वेरी क्लियर के आप मेरे इसमें क्या रख रहे हो, रिजवान के इसमें क्या रख रहे थे, आपने बराबर डॉक्यूमेंट्स स्प्लिट करे। ऑल ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको भेजने थे आपने मुझे मेल पे शेयर किया, मैंने सब कुछ वेरीफाई किया, उसमें जो भी चेंजेस करने थे वापस मैंने आपको रिवर्ट बैक किया एंड वी मेड द चेंजेस एंड एवरीथिंग। फाइल करने से पहले तक सब कुछ आपने बताया क्या क्या किस वे में प्रेजेंट हो रहा है, कैसे डॉक्यूमेंट रख रहे हैं। सो या इट वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम बोथ एंड्स। और आपने कभी पंजाब में विजिट किया हमारी ब्रांच को? क्योंकि अभी तक आप कभी कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। नहीं, ये सब हम लोग गुजरात से है, बस हमारे फैमिली में आपने एक रिजल्ट ला के दिया है, वो ट्रस्ट के बेसिस पे हमने आपको दिया। हमने हाँ, एवरीथिंग, एवरी सिंगल स्टेप हमने सब ऑनलाइन किया। कोई आपसे स्टूडेंट वीजा के लिए कोई फीस चार्ज की गई? आपसे बात की गई इसके बारे में? हाँ जी, नहीं, मेरे मेरे वीजा के लिए कुछ भी नहीं फीस चार्ज हुई है, बट स्पाउस के लिए, रिजवान के लिए जो आपकी फीस है 25,000, वो ट्वेंटी फाइव चार्ज था हुई है। कोई हिडन चार्जेस? जी नो नो नथिंग। मेरे को इतना वो नहीं है, ठीक है, आए तो अभी ठीक है, नहीं आए तो अभी ठीक है, लेकिन उम्मुल को ऐसा था कि नहीं वीजा आना ही चाहिए, बार सर के पास दिया है यानी वीजा आना ही चाहिए। तो आपने फर्स्ट डे पे मुझे एक ही प्रोग्राम सजेस्ट किया कि आप बस इसी में जाइए और कुछ नहीं हाँ जाना है, आपको यही प्रोग्राम लेना है करके, तो वो चीज आपने मतलब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यही प्रोग्राम में 110% आएगा और आपने वो करके दिखाया। मैं तो लाइव एग्जाम्पल हूँ और हमारे फैमिली में भी एग्जाम्पल्स है, तो मैं श्योरली रेकमेंड करूंगी कि जिन लोगों के भी बहुत सारे रिफ्यूजल्स है या फ्रेशर्स भी है, सो वो आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेटेड फाइल्स अगर आप वीजा ला रहे हो, सो डेफिनेटली कुछ तो है आपकी फाइलिंग में, आपका जो सजेशन है, आपका नॉलेज, सो दैट इज वाई आई एम वेरी थैंकफुल सर। जी बढ़िया बढ़िया। अभी पता प्रॉब्लम क्या है? आज आपका मेडिकल अपडेट हुआ है, मैम को एक मैसेज आया था तो मैंने चेक करवाया, तो मेडिकल अपडेट हो गया है। अभी थोड़ा हम वेट कर सकते हैं 1 से 1.5 मंथ, एक ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरी ऑप्शन, जी क्योंकि अभी थोड़ा जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट का ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो ओके हमारे पास ऑलरेडी 5 रिफ्यूजल है और मैं नहीं चाहता ओके कि नेक्स्ट टाइम भी हम उसमें आ जाएं, और फिर आने वाले समय ओके में लेट हो रही है, जैसे स्टूडेंट वीजा पे कैप लग रहा है, जब कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा ना हो कि हमारा वो रास्ता भी बंद हो जाए। तो जी इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा था आपको, हमारे पास ऑप्शन है, आप इसको ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं, बाकी जो आपका डिसीजन होगा, इसीलिए मैंने आपको लिया है, बाकी जो आपका जी डिसीजन होगा हम उस पर बात कर लेंगे। कि अगर जी हम जो हमारा स्पाउस का लगा है फाइल उसको विदड्रॉ करवा लें और इस जी जो एप्लीकेशन है इसको सिर्फ हम स्टूडेंट वीजा पे ले जाएं, तो आपका क्या इस ओके पे कि वो ठीक रहेगा? उसमें चांस ज्यादा है हमारे पास। एक बार बात कर लेते हैं मैं और उमुल। उसमें प्रॉब्लम पता क्या है, पहले क्या था, थोड़ा जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव था, 2024 में ना काफी चीजें चेंज हुई है, और जो जी परसों 14 तारीख को स्टेटमेंट आया है इमिग्रेशन मिनिस्टर का, उसको देखकर लगता है कि विद इन मंथ होने वाला है बहुत कुछ, जिसमें जो वीजा ट्रेंड रहेगा ओके वो इनएक्टिव हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इस ओके समय जो प्रेशर है गवर्नमेंट पे वो बहुत ज्यादा है, और जो ओके एप्लीकेशन को लगता है, जैसे हमारे पास 5 रिफ्यूजल है ऑलरेडी, अगर तो फ्रेश फाइल होती फिर कोई इश्यू नहीं था,
ऑलरेडी दो ओके फाइल्स हमारी ऐसी ही जिसमें स्टूडेंट वीजा के साथ स्पाउस का एप्लीकेशन था रिफ्यूज हुई है, और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो फाइल्स हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर अभी 6 टाइम रिफ्यूजल आता है तो 7 टाइम मतलब थोड़ा चांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम स्टूडेंट वीजा सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद हम जी आपका जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट का है वो ट्रेवल करने से पहले पहले आपका करवा लेंगे, मतलब ट्रेवल फिर बट भी मेरे आपका। में हमने एसओपी में भी जो लिखा है सर के आई एम लाइक यू नो ब्रिंग माय हाउस विथ मी, वो सब लिखा हुआ है फिर एसओपी में, उस हिसाब से हमने फाइल रखी है. उसमें उसमें जो हम विड्रॉ करेंगे ना, उसमें एक प्रॉपर रीजन डाल देंगे कि क्यों विड्रॉ करना है, उसमें कोई फैमिली का इशू डाल देंगे, किसी चीज का इशू डाल देंगे, जहां अपने बिजनेस का कोई इशू डाल देंगे, ताकि जो एक जेन्युइन हमारे पास, ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमने जाना ही नहीं, मतलब हम एक साथ अप्लाई नहीं करना चाहते, जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए हम इसको डिक्लाइन कर रहे हैं अपनी फाइल को। मैं जो रिफ्यूजल आए हैं ना, आपको दोनों रिफ्यूजल एक बार शेयर करता हूँ, आप एक बार चेक करिए, उसमें उन्होंने रीजन यही दिया है कि जो आपका वापस आने का रीजन है, क्योंकि आपका जो फैमिली टाइज है ना होम कंट्री के साथ, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो जब वो आ जाते हैं, क्योंकि आपके ब्रदर भी वहीं पर है, दोनों ब्रदर आपके वहीं हो गए, पापा का आपके दोनों का, आपके पीआर का हो गया, आपका भी हो गया, बट फैमिली टाइज हमारी फाइल में बिल्कुल जीरो हो गई। और मैंने चाहता अगर हाँ सिक्स बट टाइम रिफ्यूजल आता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ ओके, हमने शहबाज का बताया नहीं है बिकॉज जब हमारी फाइल रखी तब शहबाज यही था, ठीक है, और मम्मी पापा का पीआर हुआ वो भी बताया हुआ नहीं है ना, और लाइक ऑन मैम पेपर नहीं बताया है. उनके पास सारा डेटा ऑलरेडी, आपको पता ही है आजकल क्या है कि आज सारा एआई पे चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके पास एक क्लिक पे सभी का डेटा क्लियर होता है कि किसका क्या चल रहा है। जैसे ही हमने आपके जो बड़े ब्रदर हैं वो वहां पर हैं, उनका डेटा उन्होंने क्लिक, उनके साथ ही उनकी सारी फाइल्स जुड़ी हुई है, चाहे वो शाहबाज का, चाहे वो आपका आ जाए, चाहे आपके पेरेंट्स का आ जाए, सभी का आ जाएगा, समझ गए? तो ये एक बड़ा इशू है, तो मैं चाहता हूं कि कोई रिस्क ना हमें, आपको देखिए एक जो रिफ्यूजल लेटर है उसमें चेक कर लीजिए एक बार। जी आप शेयर कीजिए एंड लाइक हम क्या है कि फैमिली में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं वैसे आपके. जो और सर आप मैं ऐसा बोल रहा हमारे हूँ पास सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था कि समझो कि अभी अपने उमुल की फाइल पहले चलाते हैं, ठीक है, शेयर कर दिया और मैंने। उमुल, हाँ, और उमुल का आ जाता है तो फिर मेरा कितने टाइम में आएगा उसके बाद? आपका 2 मंथ में आ जाएगा सर, जब स्टूडेंट वीजा सिक्योर हो पक्का गया फिर तो 2 मंथ में पक्का ही है, फिर कोई इशू नहीं है, मतलब आप ट्रेवल फिर भी साथ ही करेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रेवल अलग अलग करना है, ट्रेवल बिल्कुल एक साथ करेंगे। अगर बाई चांस हमें थोड़ा लेना पड़ता है तो हम उसको जो डेफर लेकर नेक्स्ट इनटेक में कर लेंगे फाइल को, तो वो आपका एक साथ ही हो जाएगा। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो, घर भी बात कर लेते हैं तो फिर आपको बताते हम लोग. हाँ ठीक है, मैंने मैम को एक बार भेजा है, आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मेरे से भी पूछ लीजिए, फिर जो भी आपका डिसीजन होगा मुझे बता तो दें। नहीं सो सर, अभी हम लोग अगर नेक्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं रिजवान का, ओके मतलब अब मेरा करते हैं, उसके बाद कितने गैप में हम इनका करेंगे फाइल, और फिर इनका रिजल्ट कब तक आएगा, फिर मेरा इनटेक चला जाएगा, तो वो हम डेफर कर सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि फिर हम सितंबर ले लेंगे, हाँ हाँ 2024. हाँ हाँ उसमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, वो सिर्फ हम तब करेंगे अगर रिजवान का 2 मंथ में नहीं आता वीजा, अगर ओके हमें सर, नहीं जाना अगर पड़ता। हम अभी रिजवान का विड्रॉ करेंगे तो हम नेक्स्ट कब लॉन्च करें, साथ के वेट फॉर साथ ही वन कर मंथ सकते और हैं, फिर? साथ के साथ ही कर दें, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है साथ के साथ ही कर देंगे। अच्छा ओके ठीक आप एक बार रिफ्यूजल लेटर जो मैंने शेयर किया उसको चेक कर लीजिए, आपको व्हाट्सएप आ गया, ओके 1 मिनट. अगर कोई भी डाउट है, जो जो भी डिसीजन लेना है आप आराम से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन के तौर पे हम लेके चल सकते हैं इसको, अगर आपने इसी तरह कंटिन्यू ओके करना है तो भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह माय गॉड,
सर थैंक यू सो मच। किस चीज के लिए? रिजी पीजी हाँ अपने दोनों का वीजा क्या आ गया? आ गया है। क्या बात कर रही हो? कैसा कौन लग मिली? रहा थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यू मच। आई सर, थैंक यू, वाज कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। ऑन कैसा लगा आपको? क्या उम्मीद थी आज आपको फायर। वीजा आ जाएगा? बिल्कुल भी मैं नहीं। बहुत प्रे कर रही थी एंड आई वाज होपफुल एज एवरी टाइम, बट एक डर तो रहता है ना मन में। सर मेरे को तो इतना नहीं था, पर उम्मुल को बहुत था। सर मैम ने जब जी मुझे कॉल किया ना मॉर्निंग में कि सर चेक करिए, तो मैंने थैंक देखा कि आपका दोनों का अप्रूवल आ चुका था, तो फिर हमने यू सर, थोड़ा थैंक यू। देखा कि कैसे इसको थोड़ा आपके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करें, कुछ ना कुछ स्टोरी बनाए आपके लिए, तो फिर स्टोरी बनाई कि ठीक है ऐसे हम इसको थोड़ा करते हैं। क्या उम्मीद क्या थी आपकी हमारे से पहले वो बताइए आप। जो मैंने आपको पिछले दिन बोला था कि 110% आपको वीजा लेके दूंगा, तो क्या आपको लगता था उस समय कि ऐसा पॉसिबल है? 5 रिफ्यूजल के बाद विद स्पाउस आप लगा रहे हैं, तो क्या आपके मन में? मैं मेरे बहुत को तो डीमोटिवेटेड नहीं हो गई था, थी, पर उम्मुल बट को हमारा था। दिस मैन इज वेरी पॉजिटिव इन लाइफ। ओके, जो वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, बट होगा आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ही इज वेरी देखेंगे। चिल। और मुझे हमारे घर में ही एग्जाम्पल हुआ, मेरे लाइक ब्रदर इन लॉ का आपने वीजा लाके दिया आफ्टर 5 रिफ्यूजल, तो हाँ जस्ट वो देख के हम लोगों ने ये किया है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अभी तो भी। अभी तो आपकी पूरी फैमिली कनाडा सेटल हो गई ना, अभी तो कोई पेंडिंग नहीं रहा। थैंक शाहबाज ने मुझे बोला था यू कि सर, शाहबाज ने मुझे बोला था थैंक मेरे भैया का काम करवा देना, कहीं वो ना रह जाए। मैंने यू। कहा कोई बात नहीं, अगर कोई और भी होगा वो भी बता देना मुझे। नहीं सर, आपकी आपकी जो नहीं, आपकी जो प्रोफाइल थी ना, जो प्रोफाइल जेनुअन प्रोफाइल है, जी जिसपे मतलब आपको आपकी प्रोफाइल लगा लीजिए, शाहबाज को 5 रिफ्यूजल थे उसकी प्रोफाइल लगा लीजिए, जिन्होंने हमारा आपको रेफरेंस दिया था अब्दुल्ला ने उनकी प्रोफाइल लगा जी लीजिए, इन सभी को 5 5 रिफ्यूजल मिले हुए थे। और ये सारी जी ऐसी प्रोफाइल है जिसपे एक रिफ्यूजल भी नहीं आना चाहिए था। सिर्फ जी मेन सर, का फर्क रहता है कि फाइलिंग में बहुत बड़ा इशू है, और जैसे ओके। ही आप फाइलिंग करते हो, कैसे फाइलिंग करनी है, क्या स्टोरी सुनानी है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अभी अभी एक आप जैसा ही एक और केस था, उनके भी 7 to 8 रिफ्यूजल थे, वो निराश होकर जी इंडिया से कनाडा नहीं हो पाया। जब उनका 5 6 रिफ्यूजल हो गए तो वो यूके चले गए अपनी फैमिली के साथ। जी तो यूके में जाकर हमारा एक क्लाइंट था, करण करण था गुजरात से, उन्होंने उनको रेफरेंस दिया, जी उनके भी 4 रिफ्यूजल थे करण के। उस पर्सन ने यूके से मेरे साथ कांटेक्ट किया और हमने उनका 8 रिफ्यूजल के बाद यूके से वीजा लगवा कर दिया। मेन डिफरेंस सिर्फ फाइलिंग का ही है और कुछ नहीं है। आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग थी, आपको याद होगा जिस दिन फर्स्ट डे आपने मेरे साथ प्रोफाइल शेयर की, तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि आपकी प्रोफाइल में कोई कमी नहीं है, और इस पे जी जिस सर, बंदे ने आपको 5 रिफ्यूजल लेके दिए, वो समझ नहीं आया कैसे हो गया। ये चीज तो सब आप बता रहे सब हो ना, एजेंट यही प्रोफाइल बहुत बोल अच्छी है, लेकिन हम लोग जितने लोग के पास गए ना, सब लोग ऐसा ही बोलते, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी। मैंने कहा प्रोफाइल अच्छी, फिर आ क्यों नहीं रहा रहे। नहीं रहे। है? जी 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 अभी आप थैंक यू थोड़ा सर, सा थैंक यू। अभी आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट टाइम है तो हमारी कंपनी के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से रेफरेंस मिला, थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में जरूर बताइए। ओके, सो मेरे 5 रिफ्यूजल है एंड एज आई सेड मेरी फैमिली ने, मेरा ब्रदर इन लॉ भी ट्राई कर रहा था कनाडा के लिए, तो उनके भी रिफ्यूजल्स थे एंड हम लोग गुजरात के एजेंट से ही कर रहे थे, वी आर फ्रॉम गुजरात। तो आप पंजाब का रेफरेंस उसके किसी फ्रेंड ने दिया, तो वो आपके पास आया। देन हमने देखा कि उसके केस में भी सेम चीज़ हुई थी कि वो थोड़ा नेगेटिव हो गया था,
बट देन आपने उसको रिजल्ट ला के दिया, क्योंकि सब एजेंट्स बोलते थे कि वील डू इट, बट रिजल्ट आपने ला के दिया, राइट? सो द डे उसका रिजल्ट आया, वो स्टार्ट हुआ कि भाभी नहीं हम यहाँ रखते हैं फाइल एक बार, बस अब आप एक लास्ट चांस दे दो, इतने रिफ्यूजल्स तो आ ही गए हैं तो एक चांस दे दो करके क्या होता है. तो आई वॉज लाइक, फिर भी एक डर हो जाता है ना दिल में कि सब तो 100% गारंटी दे रहे हैं, प्रोफाइल स्ट्रांग है, एकेडमिक स्ट्रांग है. मैं देखती थी कि इतने बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के वीजा आ रहे हैं, बट मेरा कभी लाइफ में बैकलॉग नहीं, मैं एक डिस्टिंक्शन वाली स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरा वीजा नहीं आ रहा. तो मैं बहुत डिसहार्टेंड और डिसअपॉइंटेड हो गई थी. बट मतलब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आपकी टीम भी मुझे एवरी टाइम, हरलीन मैम से मैं कॉन्टेक्ट करती थी, शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल, एंड मेरे मैसेज का भी रिप्लाई देती थी. एंड थोड़ा फाइलिंग के टाइम थोड़ा ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स मैंने देखा, एंड थोड़ा बहुत तब ये हुआ था, डिले हुआ, बट हमने फाइल बहुत अच्छे से रखी सब कुछ देख के, एंड आपकी आपने जो भी बहुत फाइलिंग हुई अच्छे से मेरी आपका सब फाइल स्टडी की. जो भी फाइलिंग हुई आपकी जी वो वो सारे आपके साथ शेयर किए इस गए बार स्टेप बाय बहुत स्टेप। इस बार मैंने चेंजेस देखे. यस, आप जो फाइलिंग करते हो, यू पुट इट ऑन द फर्स्ट पेज व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर अटैचिंग, एंड यू आर वेरी क्लियर के आप मेरे इसमें क्या रख रहे हो, रिजवान के इसमें क्या रख रहे थे, आपने बराबर डॉक्यूमेंट स्प्लिट करे. एंड मैं भी कुछ कुछ चीजों के लिए ये थी, बट आप भी बहुत श्योर थे कि ये रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए. एंड या हमने वो फॉलो किया, आपको जो जो चाहिए थे हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए. एंड ओवर एंड कोई भी ऑल आई एम कहीं वेरी पर भी हैप्पी आपको टूडे. लगा कि कोई चीज आपसे छुपाई जा रही है, जहां आपको बताया नहीं जा रहा, किसी स्टेप नहीं पे भी आपको लगा? नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं। नहीं ऑल ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको भेजने थे आपने मुझे मेल पे शेयर किया, मैंने सब कुछ वेरीफाई किया, उसमें जो भी चेंजेस करने थे वापस मैंने आपको रिवर्ट बैक किया, एंड वी मेड द चेंजेस, एंड एवरीथिंग फाइल करने से पहले तक सब कुछ आपने बताया क्या क्या किस वे में प्रेजेंट हो रहा है, कैसे डॉक्यूमेंट रख रहे हैं. सो या इट वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम बोथ एंड्स. और आपने कभी पंजाब में विजिट किया हमारी ब्रांच को? क्योंकि अभी तक आप कभी कभी नहीं, नहीं। कभी नहीं। नहीं ये सब हम लोग गुजरात से है, बस हमारे फैमिली में आपने एक रिजल्ट ला के दिया है, वो ट्रस्ट के बेसिस पे हमने आपको दिया. हमने हाँ एवरीथिंग एवरी सिंगल स्टेप हमने सब ऑनलाइन किया, एंड या हाँ मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, ये सब से हम लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू हमने सब इंफॉर्मेशन अब शेयर जो की चीज है. हम YouTube पे बोलते हैं कि हमारा स्टडी वीजा का कोई प्रोसेसिंग नहीं है, ना पहले ना बाद में, कोई आपसे स्टूडेंट वीजा के लिए कोई फीस चार्ज की गई, आपसे बात की गई इसके बारे में? हाँ जी, नहीं मेरे मेरे वीजा के लिए कुछ भी नहीं फीस चार्ज हुई है, बट स्पाउस के लिए, रिजवान के लिए जो आपकी फीस है 25,000, वो ट्वेंटी फाइव चार्ज हुई थाउजेंड है. कोई हिडन जी चार्जेस? नो नो नथिंग. और रिजवान, आपका आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, तो जी सर. फाइलिंग के दौरान मैं मैम से बात करता रहा और हमारी टीम मैम के साथ बात करती रही। आपको जी. आपको हमारी टीम पे कितना विश्वास था कि आपका वीजा आ जाएगा, वो भी एक साथ, स्टडी वीजा प्लस स्पाउस वीजा एक साथ, जब आपके पास पांच मेरे वीजा ऑलरेडी थे अकेली स्टडी वीजा की फाइल पे? मेरे को तो लगता ही नहीं था कि आएगा. अपन था कि अब जो अल्लाह करे वो बेहतर है, मेरे को इतना वो नहीं है. ठीक है, आए तो अभी ठीक है, नहीं आए तो अभी ठीक है, लेकिन उम्मीद का था कि नहीं वीजा आना ही चाहिए, बार सर के पास दिया है यानी वीजा आना ही चाहिए. और कभी भी मैंने आपको 110% गारंटी से कम दिया? कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, हमें जब तो भी आप आपका मेरे से पॉजिटिव था पूछते कि थे आ सर क्या जाएगा होता है आपका. आपको, तो मैं आपको बट बोलता था सर, 110% आए। मेरी प्रोफाइल देख के सब एजेंट्स ऐसे ही थे कि है गारंटी आपका आ सकता है, ठीक है. बट आपने जितनी श्योरिटी के साथ बोला ना कि 110%, और हाँ, हंड्रेड आपने परसेंट पहले दिन से आप मुझे बोल रहे थे. और मुझे बाकी एजेंट्स ने ना चार पांच ऑप्शंस दिए कि आप ये कोर्स ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो. आपने फर्स्ट डे पे मुझे एक ही प्रोग्राम सजेस्ट किया कि आप बस इसी में जाइए और कुछ नहीं हाँ, जाना है आपको, यही प्रोग्राम लेना है करके. तो वो चीज आपने मतलब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यही प्रोग्राम में 110% आएगा, और आपने वो करके दिखाया. आपसे बस एक लास्ट, मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि ऑनलाइन ना बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कांटेक्ट जरूर करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे जी फाइव जी हंड्रेड सर. प्लस कॉल्स आती हैं। मेनली उनका इशू होता है कि ट्रस्ट करें कैसे, क्योंकि वो कोई हैदराबाद से है, कोई मुंबई से है, कोई गुजरात से, गुजरात से बहुत सारे बच्चे हैं, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वी पॉइंट जो कंपनी है वो कैसी है, ट्रस्ट करना चाहिए?
मतलब जो उम्मीद होती है हमारे पास जो बच्चा आता है स्टार्टिंग से लेकर जो यूट्यूब पे हमें आपने देखा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हमें यूट्यूब या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से आते हैं, जो मैं बोलता हूँ क्या वही चीज मैं प्रोवाइड करता हूँ, जब उसमें कुछ फर्क रहता है उनके लिए आप अपना व्यू दे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक जो आपकी आपका सजेशन है, दोनों आपको बहुत नॉलेज है उस चीज में और उसी बेसिस पे आप कोर्स सजेस्ट के साथ में करते स्टूडेंट हो, ठीक भी है पार्ट जी। तो आई थिंक मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ और हमारे फैमिली में भी एग्जांपल्स है, तो मैं श्योरली है। रेकमेंड करूंगी कि जिन लोगों के भी बहुत सारे रिफ्यूजल्स है या फ्रेशर्स भी है, सो वो आपके पास आ सकते हैं। बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेटेड फाइल्स अगर आप वीजा ला रहे हो, सो डेफिनेटली कुछ तो है आपकी फाइलिंग में, आपका जो सजेशन है, आपका नॉलेज। सो दैट इज व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल सर कि हम दोनों का साथ में रिजवान आया, मुझे साथ ही जाना था। आप हम भी लोग सोच तो ऐसा रहे ही कि हम लोग साथ में ही जाएंगे। ओके मुझे okay। जब हमने आपको सिंगल जाना ही बोला, है, जाना ही नहीं था जब मम्मी आपको को। हमने बोला था कि सर आपकी फाइल हम विड्रॉ कर रहे हैं रिजवान, तो आपको कैसा लग रहा था? गुस्सा आ रहा था ना? गुस्सा तो नहीं आ रहा था, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि उम्मूल अकेली नहीं जाएगी। वो मना कर रही थी पहले से कि मेरे को अकेली नहीं जाना है। ओके okay। जी ठीक है, बहुत बहुत आपको थैंक बधाई इस चीज की, कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर से हमारी टीम की यू तरफ। सर, थैंक यू आपका सर, आप थैंक एक यू बार सो कहते मच हैं कि सर, थैंक्स जो अ भी लॉट। आपके सपने हैं वो सभी आपके सपने पूरे हों, जो सोचा है ट्वेंटी जी ट्वेंटी थैंक फोर यू, वो सब कुछ आप अचीव करो। विश यू ऑल द थैंक बेस्ट फॉर योर कंपनी सर। आई होप आपकी कंपनी का भी और बड़ा नाम हो, यू एंड फॉर यू विल बी इन माई प्रेयर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेलकम। थैंक यू सर। ओके जी, ओके रिजवान, थैंक यू।